तो लो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है तुम लोगों का। स्वागत है एक और नई स्टूडियो में। तो यस गाइस, तो आज की इस वीडियो में तुम लोगों के लिए लेके आ गया हूँ कि पबजी में, यानी कि सॉरी गाइस, BGMI में, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में तुम्हें वो में अब देखने के लिए मिलेंगे या नहीं जो पबजी मोबाइल में भी थे। यस गाइस, तो इसी पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि जो हमें पबजी में जो मैप हैं सैनोक, म्यांमार और इरेंगल, जो हमें BGMI में मिलेंगे देखने के लिए या नहीं। तो उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट किया था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ये सैनोक मैप है, पर ये सैनोक नहीं है, ये सिमिलर है। यस गाइस, सिमिलर है, सैनोक के बिल्कुल सिमिलर है। जो सैनोक मैप है उसके सिमिलर यहाँ पे इन्होंने एक मैप सजेस्ट किया है। तो मेरे हिसाब से जो एक जो मैप होंगे जो BGMI में आने वाले हैं वो सिमिलर होंगे, पर वैसे के वैसे नहीं होंगे। तो यहाँ पे उन्होंने पोस्ट भी की थी, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि सैनोक फ्रॉम पबजी मोबाइल दिस सजेस्टेड मैप इन बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया कुड बी द सेम हैज पबजी मोबाइल विद सम चेंजेस। तो यस गाइस, ये साफ साफ बोल रहे कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में जो मैप आएंगे वो उसमें बहुत चेंज होएंगे पबजी मोबाइल की तरह, यानी पबजी में जो है मैप वो सिमिलर होंगे पर एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि गाइस ये बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है और वो पबजी मोबाइल इंडिया है। और गाइस ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो फैन लोग को जो मैप पसंद है वो ही लाने की बोल रहे हैं गेम में। यस गाइस, तो यहाँ पे साफ साफ वो भी लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे जो मैप के लिए आ रहा है मीरामार और इरेंगल और बहुत सारे मैप के नाम आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है जस्ट द इरेंगल मीरामार मैप और ऐसे, यानी कि ये जो मीरामार है और ये भी आ सकते हैं, पर इनमें थोड़ा और चेंज हो सकता है मेरे हिसाब से। और सैनोक की मैंने बोल ही दिया है, और सैनोक के थोड़ा और आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, और मैं भी आपको पढ़ के सुना ही देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है डिटेल में, तो आप यहाँ पे पढ़ ही सकते हो, पर मैं भी बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हम जो हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया और पबजी मोबाइल को कंपेयर नहीं कर सकते। यस गाइस, क्योंकि जो पबजी मोबाइल था उसकी एक स्पेसिफिक पोजीशन थी प्ले स्टोर में। और यस गाइस, तो इसमें यूँ ही बोल रखा है, और जो वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट द सम एलिमेंट्स ऑफ पबजी मोबाइल इंक्लूडिंग द मैप ऑफ बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। तो यहाँ यूँ बोल रहे हैं कि जो पबजी मोबाइल में जो मैप्स हैं वो सिमिलर हो सकते हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया में, और उन्हें इंक्लूड भी करने चाहिए। मेरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आप देख सकते हो। और गाइज उनको इंक्लूड भी करने चाहिए, बहुत सारे मैप को इंक्लूड करना चाहिए, पर ये भी यहाँ पे एक टाइप से बोल भी रहे हैं कि वो पबजी मोबाइल और ये बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है। तो हाँ, उनकी ये बात भी ठीक है, पर हाँ उनको एक टाइप से सोचना चाहिए और मैप को उनके हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने गेम को रीलॉन्च किया है, यानी कि बहुत बड़े यानी कि स्टेटस पे उन्होंने जाके सब कुछ किया है। तो क्या बोल सकते हैं गाइस, तो बहुत मेहनत लगती है इन सब में। तो और यहाँ पे यूँ भी बोल रहे हैं कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया करंटली द गेम हैज़ द रूमर्ड एट जून। यस गाइस, तो यूँ बोल रहे हैं कि June 10th को हो सकता है गेम लॉन्च, पर ऐसा सब सुनने में आ रहा है कि 10th June तक गेम आ सकता है या नहीं भी आ सकता है। पर हाँ गाइज, मैंने इसके ऊपर एक पहली वीडियो भी बना रखी है, वो मेरे हिसाब से तो 10 June को ही वीडियो आएगा। तो यस गाइज, तो आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल बनाओ तो सब्सक्राइब कर देना, और यार गाइज प्लीज़ यार सपोर्ट करो यार, चैनल बनाओ तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो। तो यस गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, घर में रहो, सेफ रहो, बाय बाय गाइस, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब करना गाइस, प्लीज़।